बात करेंगे सिरसा की, जहां भगवान वाल्मीकि जी की जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सिरसा के विधायक और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा की अनुज और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने भगवान वाल्मीकि मंदिर में शीश नवाया, दर्शन किए और साथ ही आयोजक संस्था को 51,000 की राशि भी दी गई। वाल्मीकि जी जयंती की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पूरे सिरसा वासियों को, प्रदेश वासियों को। वाल्मीकि जी जयंती की आज बड़ी धूमधाम से सिरसा में मनाई जाती है। हमारे दो मोहल्ले हैं, दो मोहल्लों में एक जगह से तो दो शोभा यात्रा निकलती है, एक जगह से एक निकलती है। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में मत्था टेकने का कि तीनों जगह जाकर शोभा यात्रा शुभारम्भ करने का मौका मिला है। तो मैं सभी वाल्मीकि समाज को वाल्मीकि जयंती की, मेरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई।